हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज स्वाति गुरुंग एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज ब्लॉग. सो आज है फ्रेंडशिप डे. सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू, और आप लोगों के दोस्तों को भी, और मेरे दोस्तों को भी, और सबके दोस्तों को. सो आज हम फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, बट ऐसा प्लान नहीं था कि वो हम लोग पर्टिकुलरली ये करने जा रहे थे, बट आज संडे था और वैसे तो संडे में ही आता है, बट मेरी जो कज़न है उसका भी छुट्टी था, तो मैंने बोला तू भी चल, और मैंने एक फ्रेंड को बुलाया है, तो हम लोग बैठेंगे, थोड़ी बातें शातें करेंगे. तो इसलिए अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं. पहले तो मैं सबसे पहले बाल कटाने जाऊँगी, क्योंकि मेरे बाल का बिल्कुल बैंड बच चुका है, मतलब नीचे से थोड़ा सा ना, तो मैं बस इसमें थोड़ा सा कट दूँगी जो मैंने पहले भी किया था, तो वो मेरे ऊपर सूट कर रहा था, तो मैं दोबारा से वही करूँगी, क्योंकि अभी मेरा बाल का थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया. मैं लेंथ यही रखूँगी बट उसमें कट वो दूँगी. सो आपको मैं पहले अभी ऐसा दिखता है मेरा बाल, शूश अभी बाद में दिखाऊँगी कैसा दिखेगा. रही मेरा बाल दिखा दे चल सबको. आई एम एट क्लाउड नाइन राइट नाउ, सो लेट्स गो. बहुत देर से वेट करे, वेट करना पड़ रहा है. और बोले कि मुझे ना एक तो नाम नहीं याद है जिससे मैंने पहले कटवाया था, वो बोले शाहरुख सर से, मैंने ना पता नहीं पेज से याद है मुझे. सो अभी वेट कर रहे हैं, यहाँ पे लेट ना हो, अगर यहाँ पे टाइम लगेगा तो फिर हम निकल जाएंगे. मैं कल परसों आ जाऊँगी. मेरी ड्राइविंग में तुझे शक है क्या? बहुत ज्यादा शक है. पीछे मम्मू भी आ रहे हैं रेड कलर के कपड़े में, एंड आज हम जा रहे हैं बादलों की ऊंचाइयों में. अबे मेरे मुंह कैसा हो रहा है, बहुत कॉमेडी हो रही है. हैप्पी फिश देखो, हमको मिल गया हैप्पी फिश. दाल चावल लेना है, इतना छोटा छोटा दाल चावल भी लेना है. दाल ले लो, तुम बनाए रखा है लूंगा वही. ए यहाँ पे है तो ले लेती हूँ, ले लेती हूँ. ये 3x स्पाइसी भी है. नॉर्मल वाला लूंगी. हाँ ये ब्लैक कलर, और ये ग्रीन वाला भी ट्राई नहीं कर रखा, ब्लैक वाला मैंने कर रखा है. मीठा मीठा आता है ये भी पकड़ के उधर रख देना ले जाके. अरे तो एक बास्केट ला लेना, बास्केट ला लेना. हाँ तो ले लो ना, बास्केट ला ही लेना बाहर देखो. अरे हाथ में ठंडा भाई रहा नहीं, इसको तो नहीं बुद्धि में दे. अय्या ले लेना तो तू. शेली और मैं तो लेके आए हैं रेनकोट, और हम बच जाएंगे बेचारा ये. और बहुत तेज पानी पड़ेगा, बहुत तेज. तोड़ूंगा समझी. अब मेरा बाल कटाने में टाइम लग गया ना, अदरवाइज को मैंने बाल कटाया. Hello guys, अच्छा, मैंने बाल कटाए, इतना अच्छा बाल कटाया था, और सब ब्लो ड्राई भी करा था उसने, तो सब खुश हो गया बारिश पे. जैसे ही रुकेगा बारिश फिर हम लोग निकलेंगे, क्योंकि हम लोग पहुँचने वाले हैं जहाँ पे हमको जाना है. सो हम लोग पहुंच गए हैं अपने लोकेशन में, एंड तो फोन आ रहा था गर्लफ्रेंड को. तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, ये हमारा हाई डॉट था, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि थप्पड़ मार दो इसको. तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि भयंकर बैठने का मन ही नहीं कर रहा था, बट कोई बात नहीं. अब बारिश हो रही थी तो हम इतना दूर आ गए थे, तो फिर हमने बोला कि यहीं पर रुकते हैं, और हमने अपना ऑर्डर भी कर लिया है. सेली को वादी होके मजे ले लेते हैं. नहीं टूटेगा भाई, देख मंकु दे रहा जस्ता. एक्शन लो. अबे क्या दिखा रहा है? चाहे अबे तो दिखाना. देख लो भाई, इसको रोडीज में जाना चाहिए ना, जाना चाहिए बता देना.
मैंने बोला है कि स्प्लिट्स पिलाए और ओडीज में चले जाओ भाई, इतना बॉडी बना रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, तो भाई थोड़ा सा दिखाने के लिए भी जगह होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना, सब बॉडी बनाने हो गए तो जिसमें सेलेक्ट होता है तो बॉडी। अबे पता है ऐसे प्लेटफॉर्म में वो लोग बॉडी वगैरह ही देखते हैं और थोपड़ा देखते हैं। सेली मजे ले हमारे मजाक का, आज तो नेचुरल फ्लेक्स का स्टोन चवाई। ये देखो ये पाउट बनाने के लिए कौन बोल रहा है कि बॉडी बिल्डिंग तो चलती रही। फिटनेस फ्रीक, फिटनेस फ्रीक, फिट बॉय, फिट बॉय, आया फिट बॉय। ठीक है आप बताना, आप फिट बॉय मोटी गर्ल, आप बताना कि इसको रोडीज में जाना चाहिए नहीं। मैंने तो बोला था कि चले जाओ भाई एक बार ऑडिशन देने में, जाके चेक करने में क्या जाता है, अपना ही कॉन्फिडेंस। स्वाति को दीदी कमेंट कर दो प्लीज, तीन चार बेटा कमेंट कर दो। आर गोइंग बैक टू होम, यस पे कर दिया है, ओए सॉरी कितना मस्त, देखो पीछे कितना अच्छा वेदर हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, मेरा लिए बहुत अच्छा हो रहा है, हर जगह घुसना है। हेलो हेलो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, उसी में डाल देना, उसी में डाल दे, डिग्गी में डाल दे, वो टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, मैं डिग्गी में डाल दूँ क्या भाई। गाइस देखो यहाँ पे कितना भयंकर, ये लोग बजरी जुमा कर रहे हैं। रुक जा भाई यहीं पे ब्रेक मार ले तू, मैं ले जाऊंगी यहाँ से, रुक जा, स्टैंड लगा दे, स्टैंड लगा दे, आया, अरे आगे जाना वीडियो, कुछ नहीं कर रहा वो, इट्स ओके बेबी, अरे कहाँ गई गो। हम लोग का खत्म हो गया, हम लोग घर जा रहे हैं, मैंने शेली को बोला तू ड्राइव कर पहाड़ी इलाके में, वहां तक सप्लाई तक तो ये चला लेगी, उसके बाद फिर मैं चलाऊंगी, और पीछे देखो ये आ रहा है। मारूंगा बहुत, ये मंगू वो आइसक्रीम 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 करता रहता है ये बच्चे की तरह, तो उसको हम आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके आ रखे। मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे आइसक्रीम खाना है, चलो ना यार, ये हमारा हमेशा का है, यहीं पे जाके खाते हैं हम लोग आइसक्रीम स्कूप्स में, फ्लेवर फ्लेवर। भैया ये वाइट वाला कौन सा है? हाँ अच्छा, खुद अभी तू खाई लोती हो, बट क्या बच्चे रे, ब्लूबेरी मतलब वेनिला, बढ़िया लगता है वेनिला, वेनिला। आपका कौन सा है? मेरा ये टूटी फ्रूटी है नहीं जोड़ ली, इतनी ज्यादा खाई देती, मैं टुप्पा खाई दिया पूरा तमीज, और मैं खाया था वेनिला। चलिए ले अग्नि वाली बटर स्कॉच खाती, और अभी भी बटर स्कॉच खा रही। मेरे को भैया ने सबसे ज्यादा दिया था और सबसे ज्यादा कम कर दिया मेरा, तभी तो ज्यादा मिला। बस हम तू तो वो ताजा खा रही ना, ताजा आइसक्रीम। ब्लूबेरी। सो गाइज आई एम बैक, एंड बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि बहुत घूमे, बहुत खाया है और बहुत हंसे हैं हम लोग, और अभी हम लोग वापस आते टाइम पे फिर हम लोग आइसक्रीम खाने चले गए, तो हमको टाइम लग गया और हमने आइसक्रीम खाया, मैंने तो दो दो आइसक्रीम खाया, मतलब मंगू को आइसक्रीम
का कीड़ा है, मतलब जैसे हम लोग कभी भी बाहर जाते तो उसको हमेशा आइसक्रीम खाने का मन करता है, तो हम लोग हमेशा फिर आइसक्रीम खाने जाते हैं, तो आज भी हम लोग ने वही किया। सो गाइस गुड मॉर्निंग, एंड अभी हो गया है दूसरा दिन जो कि आज सोमवार, सो मंडे मींस, सो आज फास्ट है मेरा, सो आज फोर्थ सोमवार है इस सावन का, तो आज मैं सोच रही हूँ कि इस अभी मैं चली जाऊँ माँ जो टपकेश्वर महादेव टेम्पल है वहाँ पे, तो वो बहुत माना हुआ टेम्पल है, हमारे घर के आसपास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, एक डेढ़ किलोमीटर के रेडियस में होगा, तो ज़्यादा दूर नहीं है, राइट। सो सोच रही हूँ कि वहीं चली जाऊँ, और दीदी को मैंने बुलाया है, और दीदी आ रही है वहाँ से अपने घर से, तो हम लोग तो दीदी के घर से थोड़ा दूर पड़ता है, तो दीदी जब पहुँचने वाली है तो फिर मुझे कॉल करेगी, मैं रेडी होकर बैठी हूँ, फिर जल्द निकलते हैं और आप लोगों को भी दर्शन करवाऊँगी मैं टपकेश्वर महादेव के। दीदी और हमने पूजा भी नहीं किया और अंकल मांगने आते वही आ जा, देखो लाइन यहीं तक लाइन है ये गाड़ी के पीछे, अरे भैया ने लाइन ढक दिया, भैया लोग पहुँच तो गए लेकिन यहाँ पर इतनी भयंकर लाइन है यहीं तक जैसे हमें पूजा भी नहीं शिवरात्रि में होता है। हाँ हम लोग इतना लेट आए, मतलब कितने 11 बजे आए नहीं, साढ़े ग्यारह बजे आए और अभी भी इतना लंबा लाइन है, अभी तो ये मंदिर तो बहुत दूर है यहाँ से, वो आगे गेट है मेन, उसके नीचे तो अभी नीचे बहुत नीचे जाना है, फिर जाके तब फिर हम लोग गुफा में घुसेंगे, बैक बहुत आगे है, तो पता नहीं अभी यही लग जाएगा, एक बज जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। अपने आप ले जो खांचे तेई दिन वाला गुद्दी मगर सी आपको चाले बस ही रा के चा कितने क्यूट पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट जो जो मेन गेट दिखी भी रहा है वटे इसको तेज जा रहा है बाप रे यो गाना चल रहा है एक बज जाएगा पूजा करते करते एक ही बज गया एक ही बज गया 1:07 हो रहा है सप्लाई छोड़ दे सुने मैंने हेलमेट लाची ना भाई गाड़ी से ना ना हेलमेट तो रख जाऊँ गाड़ी में लेट हो जाना यार फिर तो हमारा पूजा अच्छे से हो गया अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं सो विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस तब तक के लिए टाटा लव यू